हमारी सरकार की जनता मालिक है, ये बात कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कही भोपाल से। और बातों ही बातों में उन्होंने पीएम मोदी के डरने की बात को भी बयां कर दिया है। देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट डायरेक्ट भोपाल से। एमपी की राजधानी भोपाल से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऐलान करते हुए कहा है कि हमारी सरकार की मालिक जनता है। वे बोले कि ज्ञान जनता में है और हमारा काम आपका ऑर्डर सुनना है। कि ये कांग्रेस पार्टी की सरकार है, मगर ये मध्य प्रदेश के युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की, मजदूरों की, गरीबों की भी सरकार है। और मैं यहां साफ कहना चाहता हूं, और मध्य प्रदेश का हर युवा, हर किसान इस बात को अच्छी तरह सुने और समझे, मालिक आप हैं, मालिक युवा और किसान है। और अगर कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीती है, अगर हम यहां सबके सब, अगर हम यहां इस स्टेज पे खड़े हैं, तो हम आपकी शक्ति के बल पर खड़े हैं। हम इस बात को नहीं भूलते हैं। और कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता इस बात को ना भूले, मालिक जनता है, ज्ञान जनता में है, हमारा काम आपका ऑर्डर सुनने का है। जनता को मालिक बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी कटाक्ष किया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष की तल्खी भी देखने को मिली और उन्होंने साफ कहा कि आने वाले दिनों में जो सीएम जनता का आदेश नहीं मानेगा तो वहां नया चीफ मिनिस्टर होगा। हम वो 56 इंच वाली छाती उस सोच के लोग नहीं है, मैंने ये किया ना। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का कर्जा माफ राहुल गांधी ने नहीं किया, कमलनाथ ने नहीं किया, मध्य प्रदेश के किसान ने किया। और इसी प्रकार कांग्रेस का हर चीफ मिनिस्टर, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे वो गहलोत जी हो, बघेल जी हो, अमरिंदर सिंह जी हो, नारायण स्वामी जी हो, और आने वाले समय में एक के बाद एक प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर आएंगे, वो इस बात को नहीं भूलेंगे। और अगर वो इस बात को भूलेंगे तो नया चीफ मिनिस्टर आ जाएगा। इस मौके पर एमपी की जनता का आभार मानते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरते हुए किसानों को दी जाने वाली केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि का भी जमकर मजाक उड़ाया और धड़ाधड़ अंदाज पर भी कुछ यूं चुटकी ली। नरेंद्र मोदी जी घबराए, मैं समझ गया हूं, नरेंद्र मोदी जी को डरा के आप कोई भी काम करा सकते हो। आप देखिए, मैंने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कर्जा माफ होगा, नरेंद्र मोदी कहते हैं ठीक है भैया, मैं भी किसानों के लिए काम करता हूं। लोकसभा में बीजेपी के एमपीज ने 5 मिनट ऐसे ताली बजाई, धड़ धड़। मैंने सोचा भैया क्या कर दिया, मतलब ये 5 मिनट धड़ाधड़ सिंधिया जी सब बैठे हुए थे वहां पे, मैंने पूछा क्या कर दिया इन्होंने 5 मिनट। पता लगा 17 रुपए। अरे भाई 17 रुपए, नरेंद्र मोदी जी ने 17 रुपए दिन के हिंदुस्तान के किसान को पैसा दिया, 17 रुपए।
और वहां धड़ाधड़ तापी ताली, धड़ाधड़ ताली, धड़ाधड़ ताली। एक तरफ 3,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ, और इधर 17 रुपए, और उसको फिर से डिवाइड करो तो एक व्यक्ति को 3.5 रुपए, 3.50 रुपए नरेंद्र मोदी ने दिया। वारे वाह, क्या कमाल का काम किया, मजा आ गया, मजा आ गया। लगाओ ताली, लगाओ भैया, लगाओ लगाओ बीजेपी के लोग, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। अरे 3.5 रुपए दे दिए, 3.5 रुपए दे दिए, 3.5 रुपए दे दिए। इधर हम हजारों करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, उधर वो 3.5 रुपए की बात कर रहे हैं। धड़ाधड़ कर दिया भैया काम, कर दिया भैया काम। अच्छा भाई, अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने राफेल घोटाले के आरोप के तरोताजा करते हुए चौकीदार चोर के नारे भी कार्यकर्ताओं से खूब लगवाए कि नरेंद्र मोदी ने राफेल मामले में डायरेक्ट बिना रक्षा मंत्रालय को बताए प्रधानमंत्री ने फ्रांस की सरकार से सौदा किया। रक्षा मंत्री का हर अफसर कहता है कि चौकीदार चौकीदार चौकीदार। अब कल रात को, कल शाम को, कल शाम को चौकीदार जी आते हैं लोकसभा में, यूं खड़े होते हैं और भाषण देते हैं 1 घंटा 45 मिनट, और उस भाषण में नरेंद्र मोदी 1 मिनट के लिए राफेल की बात नहीं करता। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी पहले 56 इंच का सीना लेकर भाषण देते थे और अब वह बदले बदले अंदाज में भाषण देते हैं। मगर देखिए भाइयों और बहनों, सच्चाई को नहीं छुपाया जा सकता है। आप टीवी देखते हो, 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी भाषण यूं देते थे, मैं 56 इंच की छाती वाला चौकीदार भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा, भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा। आज नरेंद्र मोदी भाषण यूं देते हैं, कांग्रेस पार्टी को मिटा दूंगा। अरे भैया कहां मिटाई, मध्य प्रदेश में सरकार बन गई, राजस्थान में बन गई, छत्तीसगढ़ में बन गई, दिल्ली में बनने जा रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने एक अलग अंदाज के साथ ये जग जाहिर कर दिया कि अब वे 3 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने के बाद केंद्र की राजनीति में पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।